हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कॉन्जुगेशन इन बैक्टीरिया। कॉन्जुगेशन इन बैक्टीरिया यानी जीवाणुओं में ह्यूमन। कॉन्जुगेशन इन बैक्टीरिया जीवाणुओं में होने वाला जो ह्यूमन है वो एक प्रकार का सेक्सुअल मेथड है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की एक विशेष प्रकार की विधि है। तो अपन रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया के अंदर जो सेकंड जो टाइप है, सेकंड जो विधि है वो है कॉन्जुगेशन। और कॉन्जुगेशन के दौरान यहाँ पर एक बैक्टीरियल सेल से दूसरे बैक्टीरियल सेल में जो क्रोमोसोम होता है उसका ट्रांसफ़र होता है और यही क्या कहलाता है, कॉन्जुगेशन। इसी को बोलते हैं ह्यूमन। तो यहाँ पर आप देखो कि बैक्टीरिया के अंदर होने वाला जो कॉन्जुगेशन है या ह्यूमन है, तो इस मेथड की खोज किसने की, लेडरबर्ग एंड टैटम ने। फर्स्ट ऑफ ऑल लेडरबर्ग एंड टैटम ने 1946 में इसकी खोज की। और खोज किस बैक्टीरिया के अंदर की, ई कोलाई, इसको बोलते हैं एस्ट्रिकिया कोलाई के एक स्ट्रेन K12। K12 यहाँ ई कोलाई का एक प्रभेद है, एक स्ट्रेन है जो कि दो अलग अलग रूपों के अंदर मिलता है। तो लेडरबर्ग एंड टैटम ने यह बताया कि कॉन्जुगेशन के दौरान जो ई कोलाई है उसके दो अलग अलग स्ट्रेन मिलते हैं, दो अलग अलग प्रभेद मिलते हैं। तो एक बैक्टीरियल स्ट्रक्चर को देखें, एक बैक्टीरियल सेल की स्ट्रक्चर को देखें तो उसके अंदर क्या मिलता है, एक तो उसका खुद का क्रोमोजोम जिसको बोलते हैं अपने न्यूक्लियोइड डीएनए। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोइड डीएनए, या इसको जीनोफोर भी बोलते हैं, जो कि बैक्टीरियल सेल का मेन डीएनए होता है। और बैक्टीरियल सेल के अंदर इस मेन डीएनए जिसको जीनोफोर बोलते हैं के अलावा एक छोटा सा क्रोमोजोम और मिलता है, छोटा सा डीएनए और मिलता है, सर्कुलर या वर्ताकार, जिसको अपने बोलते हैं प्लाज्मिड। क्या बोलते हैं, प्लाज्मिड। तो बच्चों, लेडरबर्ग एंड टैटम ने यह बताया कि जिन बैक्टीरियल सेल यानी ई कोलाई की जिन बैक्टीरियल सेल के अंदर प्लाज्मिड मिलता है वो एफ पॉजिटिव कहलाती हैं, और जिन बैक्टीरियल सेल के अंदर प्लाज्मिड एब्सेंट होता है वे एफ माइनस बैक्टीरियल सेल कहलाती है। तो यहाँ पर जो एफ पॉजिटिव बैक्टीरियल सेल है वे मेल को रिप्रेजेंट करती हैं और एफ माइनस जो बैक्टीरियल सेल हैं वे फीमेल को रिप्रेजेंट करती हैं। और इसको कॉमन नेम दे सकते हैं कि एफ पॉजिटिव या मेल जो बैक्टीरियल सेल हैं वे क्या कहलाती हैं, डोनर कहलाती हैं, दाता कोशिकाएं जिनको बोलते हैं, और एफ माइनस या फीमेल बैक्टीरियल सेल हैं वे रेसिपिएंट या ग्राही बैक्टीरियल सेल कहलाती है। बच्चों, लेडरबर्ग एंड टैटम ने यह बताया कि डोनर सेल से जो प्लाज्मिड है, डोनर सेल से जो क्रोमोजोम है जो कि प्लाज्मिड के रूप में है, वह क्या करता है, डोनर सेल से रेसिपिएंट यानी ग्राही सेल के अंदर ट्रांसफ़र हो जाता है। और यही जो ट्रांसफ़र है, जो जेनेटिक मटेरियल डोनर सेल से ग्राही सेल में ट्रांसफ़र होता है, स्थानांतरण होता है, और यही जो विधि है क्या कहलाती है, कॉन्जुगेशन कहलाती है या ह्यूमन कहलाती है। तो यह विधि किस प्रकार से होती है, इनिशियल स्टेज में देखो, ये बैक्टीरियल सेल की दो अलग अलग फॉर्म है, ई कोलाई की दो अलग अलग फॉर्म है, एक को डोनर बोलते हैं और एक को रेसिपिएंट बोलते हैं। डोनर या एफ पॉजिटिव क्यों बोलते हैं, जैसा कि मैंने अभी बताया कि इसके अंदर क्या मिलता है, प्लाज्मिड, और प्लाज्मिड यहाँ पर क्या है कि जो मेन जो क्रोमोजोम है उसके अलावा एक सर्कुलर क्रोमोजोम छोटा सा और मिलता है जिसको प्लाज्मिड बोलते हैं, इसको एफ प्लाज्मिड भी बोलते हैं। एफ प्लाज्मिड क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, फर्टिलिटी फैक्टर होता है, इसके अंदर क्या होता है, फर्टिलिटी फैक्टर होता है, और फर्टिलिटी फैक्टर जिसमें होता है उसको बोलते हैं एफ पॉजिटिव, और जिसमें फर्टिलिटी फैक्टर एब्सेंट होता है या प्लाज्मिड नहीं होता उसको बोलते हैं एफ माइनस, जो कि फीमेल को रिप्रेजेंट करती है। अब ये दोनों जो बैक्टीरियल सेल हैं
डोनर और रेसिपिएंट दोनों जो बैक्टीरियल सेल हैं इनमें आपस में कॉन्जुगेशन होता है, इनमें आपस में संयुग्मन होता है, और संयुग्मन यहाँ पर किसकी वजह से होता है, एफ प्लाज्मिड की वजह से होता है। आपको मालूम है कि जो एफ पॉजिटिव या जो डोनर बैक्टीरियल सेल है इसके ऊपर सेक्स पिलाई प्रेजेंट होती है, लेकिन रेसिपिएंट सेल के ऊपर सेक्स पिलाई एब्सेंट होती है। ये जो सेक्स पिलाई है दोनों बैक्टीरियल सेल को आपस में अटैचमेंट करने में योगदान देती हैं, हेल्प करती हैं, यानी दोनों सेल्स सेक्स पिलाई की वजह से आपस में जुड़ती हैं। और जहाँ से ये जुड़ती हैं वहाँ पर देखो एक कॉन्जुगेशन ट्यूब की फॉर्मेशन होती है, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, एक मोटी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन होती है, और इसको स्टिमुलेट करने के लिए कौन हेल्प करता है, एफ प्लाज्मिड यहाँ पर हेल्प करता है। इस एफ प्लाज्मिड फर्टिलिटी फैक्टर की वजह से ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर यहाँ से जनरेट होती हैं, और ये क्या करती हैं, फीमेल बैक्टीरियल सेल यानी एफ माइनस बैक्टीरियल सेल के साथ ये कॉन्टैक्ट करती हैं या आपस में जुड़ जाती है। जैसे यहाँ पर देखो ये जो ट्यूब हैं दोनों बैक्टीरियल सेल पॉजिटिव और माइनस बैक्टीरियल सेल को जोड़ने वाली जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है ये क्या कहलाती है, कॉन्जुगेशन ट्यूब कहलाती है। अब इस कॉन्जुगेशन ट्यूब की हेल्प से जो जेनेटिक मटेरियल है वो एक बैक्टीरियल सेल से दूसरी बैक्टीरियल सेल में ट्रांसफ़र होगा। यहाँ पर आप देखो कि क्योंकि जो मेन जो डीएनए है बैक्टीरिया के अंदर वो डबल स्ट्रैंड होता है, और प्लाज्मिड में भी जो होता है वो भी डबल स्ट्रैंड होता है, तो इसका एक जो स्ट्रैंड है डबल स्ट्रैंड में से इसका एक स्ट्रैंड यहाँ पर खुल जाता है और एक लाइनियर फैशन में रेखीय क्रम में डोनर से रेसिपिएंट बैक्टीरियल सेल के अंदर ट्रांसफ़र हो जाता है, ठीक है। और ट्रांसफ़र होने के बाद दोनों बैक्टीरियल सेल एक दूसरे से अलग अलग हो जाती है। तो यहाँ लास्ट में आप देखिए कि किस तरह से कॉन्जुगेशन ट्यूब की हेल्प से जो प्लाज्मिड है उसका एक जो स्ट्रैंड है यहाँ खुलकर एंजाइम्स की हेल्प से खुलकर एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की हेल्प से कट होकर खुलकर जो रेसिपिएंट बैक्टीरियल सेल है उसके अंदर चला जाता है, और यहाँ पर ये क्या करता है, रेप्लिकेशन के द्वारा यहाँ पर प्लाज्मिड की फॉर्मेशन कर लेता है। तो इस प्रकार जो रेसिपिएंट जो बैक्टीरियल सेल है उसमें मेन डीएनए के अलावा एक प्लाज्मिड जो फैक्टर है वो भी प्रेजेंट हो जाता है। तो ये जो बैक्टीरियल सेल है एफ माइनस से किसमें कन्वर्ट हो जाती है, एफ पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाती है, और यहाँ पर दोनों सेल एक दूसरे से अलग अलग हो जाती हैं, दूर दूर हो जाती हैं। तो इस प्रकार आपने देखा कि एक बैक्टीरियल सेल से दूसरी बैक्टीरियल सेल के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है कॉन्जुगेशन ट्यूब की हेल्प से ट्रांसफ़र हो जाता है, ठीक है। और इस प्रकार एक एफ माइनस जो बैक्टीरियल सेल है वो किस ढंग से किस प्रकार से एफ पॉजिटिव सेल के अंदर कन्वर्ट हो जाती है, लेकिन कुछ खास कंडीशन कुछ विपरीत परिस्थितियों के अंदर एनवायरमेंटल फोर्स की वजह से कॉन्जुगेशन ट्यूब है इसका संपर्क यहाँ से टूट जाता है। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि कॉन्जुगेशन ट्यूब है एनवायरमेंटल फोर्स की वजह से इसका जो कनेक्शन है यहाँ से टूट जाता है, दोनों बैक्टीरियल सेल एक दूसरे से अलग अलग हो जाती हैं। तो यहाँ पर जो प्लाज्मिड का केवल कुछ हिस्सा ही इसमें चला जाता है, बाकी हिस्सा यहाँ पर रह जाता है, ठीक है। इसको आप यहाँ समझिए कि ये एक प्रकार की बैक्टीरियल सेल है, ठीक है। ये बैक्टीरियल सेल का मेन जीनोफोर है, मेन डीएनए है, और ये क्या है, एक छोटा सा प्लाज्मिड का टुकड़ा है, ठीक है। ये क्या करेगा, या तो यहाँ फ्री स्टेज के अंदर साइटोप्लाज्म के अंदर फ्री मुक्त अवस्था में रहेगा, या फिर क्या करेगा, इस जीनोफोर के साथ ये अटैच हो जाएगा। जीनोफोर जो कि बैक्टीरियल स्टेज का मुख्य गुणसूत्र है, मेन क्रोमोजोम है, मेन डीएनए है, ठीक है। अगर ये सेगमेंट, ये प्लाज्मिड का टुकड़ा इस मेन जीनोफोर के साथ जो कि बैक्टीरियल सेल का मुख्य गुणसूत्र है के साथ अटैच हो जाता है, ठीक है,
तो इसको बोलते हैं HFR, इसको क्या बोलते हैं HFR मेल, क्या बोलते हैं HFR, इसको मेल बोलते हैं। HFR स्टैंड फॉर हाई फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन। बच्चों जब ये HFR मेल में कन्वर्ट हो जाता है तो यहाँ पर रिकॉम्बिनेशन की जो फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ जाती है, ठीक है, फर्टिलिटी की जो फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ जाती है। इसकी तुलना में ये जो HFR मेल है इसकी फर्टिलिटी जो फ्रीक्वेंसी है, रिकॉम्बिनेशन करने की जो फ्रीक्वेंसी है, आवृत्ति है, वो बढ़ जाती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं HFR मेल। जब HFR मेल जब F माइनस बैक्टीरियल सेल के संपर्क में आएगा तो इसका जेनेटिक मटेरियल F माइनस जेनेटिक मटेरियल जो है वहाँ पर ट्रांसफ़र हो जाएगा। यहाँ पर आप देखो कि जब एक HFR मेल बैक्टीरियल सेल के संपर्क में जब F माइनस बैक्टीरियल सेल आएगी तो क्या होगा, कॉन्जुगेशन ट्यूब की फॉर्मेशन होगी, जिसकी हेल्प से कॉन्जुगेशन ट्यूब में से होकर इसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो HFR मेल से F माइनस बैक्टीरियल सेल में चला जाएगा। लेकिन यह जो प्रोसेस है, यहाँ पर देखो कॉन्जुगेशन ट्यूब बनने के बाद ये जो डीएनए है जो कि डबल स्ट्रैंड है, इसका एक स्ट्रैंड एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की हेल्प से खुल जाएगा और धीरे धीरे लाइनियर फैशन एक रेखीय क्रम के अंदर यह F- बैक्टीरियल सेल के अंदर ट्रांसफ़र होना स्टार्ट हो जाता है और यह प्रोसेस बड़ा धीमा होता है, धीरे धीरे यह प्रोसेस होता है। लेकिन यहाँ पर यह क्या है, कॉन्जुगेशन ट्यूब यहाँ बीच में ही टूट जाती है, इनका संपर्क हट जाता है, दोनों बैक्टीरियल सेल्स क्या होती हैं, एक दूसरे से अलग अलग हो जाती हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो बैक्टीरियल सेल जो HFR का जो सेगमेंट F- बैक्टीरियल सेल के अंदर ट्रांसफ़र हो चुका है, वह जो टुकड़ा है वह क्या करेगा, वह सेगमेंट जो F- बैक्टीरियल सेल का जो मेन जो DNA है जो कि जीनोफोर कहलाता है उसके साथ अटैच हो जाएगा। और ये टुकड़ा हमेशा याद रखना, ये वो टुकड़ा है जो मेन HFR का मेन जो DNA है उसका टुकड़ा होता है, इसमें प्लाज्मिड के जीन नहीं होते। इस टुकड़े के अंदर जो प्लाज्मिड इसके साथ अटैच हुआ है जिसको एपिजोम बोलते हैं, इसके जीन इसके अंदर नहीं होते। तो F- बैक्टीरियल सेल के साथ जुड़ने वाला सेगमेंट इसका मेन जीनोफोर का ही टुकड़ा होता है, उसमें प्लाज्मिड के जो जीन्स हैं वे नहीं होते और इसी वजह से जो F- बैक्टीरियल सेल है ये F पॉजिटिव में कन्वर्ट नहीं हो पाती। ये बात याद रखना कि रिकॉम्बिनेशन कंप्लीट होने के बाद HFR मेल से जेनेटिक मटेरियल जब F- बैक्टीरियल सेल के अंदर ट्रांसफ़र होता है तो F- सेल जो कि रिसिपिएंट है, ग्राही है, वो F पॉजिटिव में कन्वर्ट नहीं हो पाती, F- में ही बनी रहती है। क्यों? क्योंकि इसमें जो प्लाज्मिड है उसके जीन नहीं आते, सिर्फ इसमें जो सेगमेंट है वो टुकड़ा किसका है, मेन जीनोफोर का है, और ये जो टुकड़ा है ये F- बैक्टीरियल सेल का जो मेन जीनोफोर है उसके साथ रिकॉम्बिनेंट शो करता है। तो बच्चों ये था कि किस तरह से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान जो जेनेटिक मटेरियल है वो एक बैक्टीरियल सेल से दूसरी बैक्टीरियल सेल के अंदर ट्रांसफ़र होता है।